अलैकुम, आप 8th क्लास, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, गिव प्रोसीजर टू चेंज फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन एक्सेल। नंबर 67 पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये लास्ट पे आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग द फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर एंड यूजिंग द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अलाइनिंग द टेक्स्ट। आपने इसको आंसर पहले डेफिनेशन यहाँ तक करनी है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट किसको बोलते हैं। फॉर्मेट बोलते हैं लाइक आप ये कह सकते हैं कि मेथड। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हाउ टू चेंज फॉन्ट। पेज नंबर 68 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका सेलेक्ट सेल टू चेंज फॉन्ट। सेकंड है चूज द होम टैब, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स, अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट बॉक्स अपीयर, फाइंड एंड क्लिक द रिक्वायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट। जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको उसके साथ ही उसके नीचे ही जो है ना एक फॉन्ट बॉक्स नज़र आएगा। ठीक है, फॉन्ट बॉक्स में से आप जो है डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, ये देखें जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये डिफरेंट जो है ना आपके फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें से कोई एक अपनी पसंद से चूज़ करना है। जैसे आप उसको चूज़ करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो आपका रिक्वायर्ड स्टाइल जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा और जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उस पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। 8th क्लास, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था जो कि था कि टू चेंज द फॉन्ट साइज, हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 69 पर। सेलेक्ट द सेल और सेल्स टू चेंज फॉन्ट साइज। एज यू नो दैट कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सेल को सेलेक्ट करना है जिसका हमने फॉन्ट साइज चेंज करना होता है। फॉन्ट क्या था, फॉन्ट राइटिंग स्टाइल को कहते हैं, और फॉन्ट साइज उसका साइज होता है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। चूज द होम टैब, होम टैब को चूज करेंगे, होम टैब उस क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स। डाउन एरो से मुराद ये देखें आपको डिस्प्ले हो रहा है साथ साथ। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने फॉन्ट साइज बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक पूरी लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसमें आपके फॉन्ट के साइज़ होते हैं। इसमें आप 72 तक आपके पास जो है ना फॉन्ट का साइज़ होता है, जिसमें से आप कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट साइज अपीयर्स, लिस्ट जो है वो आपके पास अपीयर हो जाती है। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड साइज, और आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी रिक्वायर्ड साइज को चूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीट आंसर आपने मार्क करना है और अपनी नोटबुक पे करना है, इसकी डायग्राम भी बनानी है। अभी मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगी।